नमस्कार दोस्तों, निशूस कास्ट में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा ड्रिंक लेके आया हूं कि विच इज वेरी फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। जी हाँ, ये एपिसोड में मैं आपके लिए लाया हूं एक रेडी टू ड्रिंक मिक्स, रेडी टू ड्रिंक टिल, जिसके अंदर जो कैन है उसके अंदर रेडी टू ड्रिंक अल्कोहल वाला एक ड्रिंक है। आजकल ऐसे रेडी टू ड्रिंक बहुत सी वोडकास और जिन के कॉम्बिनेशन से बने हुए टिन मिलते हैं या तो कैन मिलते हैं, जो हम कहीं पे भी ले जा सकते हैं, जिसको बस ओपन करो एंड स्टार्ट ड्रिंकिंग। तो वो जो कॉकटेल बनाने का झंझट है वही निकल जाता है। और दूसरी एक चीज आजकल लॉन्च हुई है वो ये कि देखिए, कॉकटेल रेडी मिक्स रहता है, बट कई मॉकटेल्स ऐसे आए हैं जिसमें अल्कोहल कंटेंट नहीं रहता है, सिर्फ दैट इज द रेडी ड्रिंक, जिसमें हम वो बॉटल पे लिखा हुआ अल्कोहल डाल के हम वो वाला कॉकटेल बना सकते हैं। जिमीज के जो कॉकटेल रेडी मिक्स आते हैं उसमें अल्कोहल नहीं रहता है, लेकिन उसमें हम लोग वो बॉटल पे लिखा है अगर रम डालो तो रम डाल के हम लोग वो वाला ड्रिंक बना सकते हैं, अगर जिन डालने को कहा है तो वो जिन वाला कॉकटेल बना सकते हैं, वोडका वाला कॉकटेल बना सकते हैं, विस्की वाला कॉकटेल बना सकते हैं। ऐसे इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कॉकटेल के रेडी नॉन अल्कोहलिक मिक्सचर्स ला के बॉटलिंग किया हुआ है। लेकिन आज का जो ड्रिंक है वो वर्ल्ड फेमस है। आपको शायद मेरे इस गेटअप से आइडिया तो आया होगा, जरूर आइडिया आया होगा। इंडिया में सिपाही करके एक कंपनी है जिसके ऐसे जिमीज के जैसे ही रेडी कॉकटेल्स आते हैं, बट नॉन अल्कोहलिक। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी है जो अल्कोहल कंटेंट के साथ वो कैन बनाती है, जैसे इन अ कैन, उसमें अल्कोहल कंटेंट ऑलरेडी एडेड है, यानी लिटिल अल्कोहल परसेंटेज इज ऑलरेडी देयर। तो अलग अलग टाइप के वो ड्रिंक के कैन रहते हैं जिसको ओपन करके हम लोग ड्रिंक कर सकते हैं। आज का ये जो कॉकटेल वाला रेडी मिक्स है, रेडी टू ड्रिंक, दैट इज नॉट फ्रॉम हियर, दैट इज फ्रॉम USA। जी हाँ, हमारे एक फैमिली फ्रेंड है, तो वो जब US गए थे तो वहाँ से उन्होंने आते टाइम मेरे लिए खास वो टिन, रेडी टू ड्रिंक टिन लाया। तो मैंने सोचा चलो एक बढ़िया रिव्यू कर देंगे, इसका एपिसोड भी बन जाएगा और आप तक इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगी। मैंने उस डिस्टिलरी की विजिट की हुई थी जब मैं US में गया था, तब US स्पेशल एपिसोड को आप फॉलो करेंगे मेरे चैनल पे जाके, तो उसमें जैक डैनियल डिस्टिलरी टूर, ये मैंने एपिसोड बनाया था। जी हाँ, आज का ड्रिंक भी वही है। ये देखिए, जैक डैनियल ओल्ड नंबर 7, जो जैक डैनियल टेनेसी विस्की है, उसका रेडी ड्रिंक इन्होंने बनाया है। जी हाँ, कोला फ्लेवर्ड, यानी जैक डैनियल के पास विस्की तो है, सिर्फ उन्होंने उनके हिसाब से ये कोला का ड्रिंक, कोला का कॉम्बिनेशन करके, अभी कोला उन्होंने कहाँ से बनाया मुझे तो पता नहीं है, शायद कोला कंपनी से टाई अप किया होगा, बट द रेशियो एंड द एंटायर कॉम्बिनेशन जो इन्होंने बनाया वो इस टिन में पैक करके रेडी टू ड्रिंक हमें दिया है। देखिए, इसमें 355 ml का ये कैन है, 355 ml, एंड 7% अल्कोहल इसमें है, ओनली 7% अल्कोहल। एक चीज मेरे दिमाग में है, अगर मैं ये ड्रिंक बना सकता हूँ तो वैसे तो जैक डैनियल नंबर 7, यानी ओल्ड नंबर 7 विस्की ला के हम लोग कोला का कॉम्बिनेशन करके बना सकते हैं, लेकिन आज मैं वही ट्राई करूँगा कि यही टेस्ट हम लोग ला सकते हैं क्या। और इसीलिए मैंने एक ट्रायल बेसिस पे जैक डैनियल नंबर 7 की एक बॉटल मिनिएचर लाई, जिसका कॉम्बिनेशन हम करके कैन वी मेक एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन लाइक दिस, तो ये भी ट्रायल हम लोग करेंगे। और इसके लिए मैंने कोला भी लाया है। एक्चुअली देखा जाए तो आई वोंट रिकमेंड सच टाइप ऑफ ड्रिंक फॉर रेगुलर ड्रिंकर्स,
अगर हम रेगुलर ड्रिंक करते हैं तो ऐसे एरिटेड वाटर और कोला और डाल के पीना अच्छा नहीं रहता है फॉर द सेक ऑफ हेल्थ। और जो विस्की इंथुजियास्ट है वो तो नॉर्मली विस्की नीट लेते हैं, या तो आइस के साथ, या तो ठंडे पानी के साथ, या तो सोडे के साथ, दैट इज कार्बोनेटेड अगेन। ये कभी कभार पीने के लिए ठीक ठाक है। कभी हम टूर पे गए, ट्रिप पे गए और मिक्सिंग करने के लिए टाइम नहीं है तो ये कैन शॉप से लिया, सिप किया, बट ओनली 7% अल्कोहल कंटेंट है इसमें, ये भी एक बात ध्यान में रखनी है। और अगर हम बनाते हैं तो हम हमारे हिसाब से अल्कोहल यानी विस्की उसमें ऐड कर सकते हैं, 30, 40, 60, 90 लाइक दैट। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेना अच्छी बात नहीं है, इसके लिए 40-60 तक दैट इज़ ओके। आज हम कोशिश करेंगे, पहले ये कैन ओपन करके इसको टेस्ट करेंगे और सिमिलरली क्या हम बना सकते हैं जैक डैनियल नंबर 7 से। दिस इज टेनेसी विस्की, यू नो दैट। और ये जो कैन आया है दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम USA एंड दिस इज बॉटल्ड इन, मेरा फेवरेट जगह है ये, प्रोडक्ट एंड बॉटल्ड बाय जैक डैनियल डिस्टिलरी लाइंचबर्ग टेनेसी। जी हाँ, डायरेक्ट वहाँ से है। सो लेट्स ओपन द कैन। मैं ग्लास में इंटेंशनली ले रहा हूँ, वैसे कैन ओपन करके मैं डायरेक्टली पी सकता था, टेस्ट कर सकता था, लेकिन मैं इंटेंशनली एक ग्लास में डाल रहा हूँ ताकि हमको दूसरे ग्लास में सिमिलर मिक्सचर बनाना है विद द हेल्प ऑफ कोक। और ये करने से क्या होता है, थोड़ा इसका फीस भी निकल जाता है, विच इज वेरी गुड। ज़्यादा फीजी डायरेक्ट कैन से पीने से ये बेटर है। वो लवली खुशबू बहुत अच्छी आई कोला की, एंड साथ में देयर इज जैक डैनियल। जिन्होंने भी टेस्ट की है ये वाली ओल्ड नंबर 7, उनको ये कैन से मिलने वाली खुशबू विस्की की 100% पता चल जाएगी। एंड साथ में अरोमा भी है कोला का, देन लिटिल बिट इसमें जो जैक डैनियल का विस्की का जो एक कैरमलाइज्ड ये है अरोमा, वो भी मुझे आ रहा है, जो नॉर्मली फ्रेश चार्ड ओक बैरल में मैच्योर करते हैं, उसको मैच्योरेशन के लिए रखते हैं, तो कम से कम 3 साल या तो उससे ज़्यादा। चलो तो टेस्ट करते हैं कैसे आती है ये पैलेट पे। Cheers. Yes. जैक डैनियल का जो कॉर्न का स्वीटनेस है, वो कैरमल का स्वीटनेस, वेनिला का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ रहा है। साथ में ये कोला के साथ इन्होंने जो कॉम्बिनेशन किया है ना, सुपर सुपर है, एकदम सुपर है। एक सिप और लेके कुछ और नोट्स मिलते हैं क्या देखेंगे। थोड़ा सा चॉकलेट, लवली। ये अगर ऐसे ड्रिंक बनेगा ना तो 4-5 कैन तो यूं ही खत्म हो जाएंगे, इसीलिए मैं कहता हूं ऐसे कॉम्बिनेशंस के लिए मत जाइए। अननेसेसरी स्पीडी भी जाते हैं और फास्ट पिया जाता है और सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। इसके साथ में आप कितनी शुगर कंटेंट आप बॉडी में जाएगी आपको पता है। सो टू अवॉइड दैट, गो रेगुलर। आपका जो ड्रिंक करने का तरीका है, विस्की में पानी, आइस या तो नीट, जैसे भी आप चाहते वैसे पीजिए, बट मॉडरेटली, ये तो मैं हमेशा ही बताता हूँ। चलो तो अब हम बनाते हैं इसके सहारे ये वाला ड्रिंक, देखते हैं सेम होता है या कुछ फर्क आता है। ये मिनिएचर है 50 ml का, लेकिन मैं लूंगा इसमें मेजर करके 30 ml तक। तो मैंने इसमें 30 ml जैक डैनियल विस्की लिए, ओनली 30। तो ये टेस्ट लाने के लिए मैं इसमें डालूंगा ऑलमोस्ट 175
ml कोक, ये कोका कोला है। देखते हैं क्या टेस्ट आई मिलती है हमें इसमें। चीयर्स। इसमें मुझे कोला का अरोमा ज्यादा आ रहा है, विस्की का कम आ रहा है। जैक डैनियल का अरोमा है लेकिन बहुत हल्का कंपेयर टू दिस। चीयर्स। मोर फिजी क्योंकि फ्रेशली ओपन कैन बॉटल है, और विस्की का जो टेस्ट है वो कम आ रही है। इसके लिए मेरे हिसाब से मुझे और थोड़ी सी 20 ml विस्की डालनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने सिर्फ 30 ml लिया है, मैं 20 ml विस्की और ले ली। यानी मैंने बॉटल 50 ml की पूरी इसमें डाल दी। अब थोड़ा कोला का रेशियो बढ़ाता हूं। अब देखते हैं सेम टेस्ट आई है क्या। अब अरोमा थोड़ा अच्छा आने लगा है। फिर भी कितनी भी मैंने कोशिश की तो भी ये जो ड्रिंक है कैन वाला, दिस गोज बेटर, क्योंकि उनका जो रेशो कॉम्बिनेशन इन्होंने जो बनाया है उसके ऊपर R&D करके ही बनाया होगा, तो मुझे तो ये पसंद आया ज़्यादा। लेकिन इसमें अल्कोहल कंटेंट ओनली 7% है। इसमें मैंने 50 ml विस्की पूरी डाल दी और ये टेस्ट लाने की कोशिश की। मैं मेरे हिसाब से, मेरे कैलकुलेशन से ऑलमोस्ट 95% तक क्लोज आया हूँ। 95%, जी हाँ, फ्रॉम द फैक्ट्री ये जो टेस्ट उन्होंने R&D करके बनाई है उसमें और मेरे इसमें हार्डली 5% टेस्ट का जो थोड़ा सा फर्क है वो मुझे महसूस हो रहा है। ऑफकोर्स ये मेरी पैलेट है, इसके लिए मुझे कैसी टेस्ट आ रही है ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें भी कैरमलाइज है, देन कोला का अरोमा है, देन वेनिला का फ्लेवर आ रहा है, देन कॉर्न का ज़रा स्वीटनेस। इस टेनेसी विस्की जो है वो मुझे तो पसंद है, जैक डैनियल नीट ही पीने में मज़ा आता है। बट ये जो वर्ल्ड फेमस कॉम्बिनेशन आज हमने ट्राई किया, आप भी ज़रूर कीजिए जैक डैनियल के साथ ये कोक का कॉम्बिनेशन, और मुझे कमेंट में बताइए आपको ये कैसे लगा। अगर आपको ये मिलता है कैन, रेडी टू ड्रिंक कैन, तो उसे भी आप टेस्ट करके ज़रूर कमेंट में बताइए। लेकिन ये कभी कभार पीने के लिए ही अच्छी है। देखिए सामने, आपके सामने देखिए डकार आने शुरू हो गए। इसके लिए मैं हमेशा ना कार्बोनेटेड वाटर अवॉइड ही करता हूँ। विस्की शुड बी गो ऑन द रॉक्स, अदरवाइज नीट और विद द वाटर। आपके हिसाब से पीजिए, पानी जितना डालना है उतना डालिए, आइस जितना डालना है उतना डालिए। बट निशूस कास्ट एक चीज़ हमेशा बताता है, आपके दोस्तों को बोलिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और कितना भी अच्छा कॉम्बिनेशन हो, कितना भी अच्छा ड्रिंक हो, निशूस कास्ट एक चीज़ हमेशा सिखाता है, कौन सी? ड्रिंक मॉडरेटली, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड लेट्स लर्न हाउ टू ड्रिंक इट राइट। चीयर्स टू निशूस कास्ट।